नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम यहां लेकर आते हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपके लिए। दोस्तों, आपसे निवेदन की लेटेस्ट वैकेंसी जॉब्स की पूरी जानकारी पाने के लिए कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से 710 पोस्ट निकली हुई है, जिसमें PGT टीचर और EVGC काउंसलर के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें पुरुष महिला अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस वैकेंसी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर DSSB PGT टीचर रिक्रूटमेंट 2020 निकली हुई है। इसमें संगठन का नाम है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB, यानी दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कुल पदों की संख्या 710 रखी गई है। आवेदित पदों का नाम PGT टीचर और EVGC काउंसलर रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता PGT टीचर के लिए मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, डिग्री डिप्लॉय इन एजुकेशन, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी के लिए आवेदक अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें मास्टर डिग्री होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में, और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि DLED, लगभग DLED की डिग्री भी साथ में होनी चाहिए। और EVGC काउंसलर के लिए मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी होनी चाहिए, यानी साइकोलॉजी में वो तो मास्टर डिग्री के लिए हो, और या फिर डिप्लोमा, उसके साथ ही साथ डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उनके साथ साथ ही साथ उन्हें गाइडेंस और काउंसलिंग में भी डिप्लोमा का डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ऊपर में पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ DLED होना चाहिए और EVGC के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी में, और साथ ही साथ डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जहाँ तक यहाँ पर वेतनमान की अगर बात की जाए, तो एज पर रूल यानी कि अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग वेतनमान यहाँ पर फिक्स किया गया है। ये सब हम लोग नोटिफिकेशन में आगे जाके देख सकते हैं। आयु सीमा की बात की जाए, तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन किया जाए, वो भी नोटिफिकेशन में हम लोग दे सकेंगे। आवेदन शुल्क की जहाँ तक बात किया था, जनरल OBC के लिए 100 रुपये, ST SC और अपंग अपाहिज व्यक्ति के लिए 0 रुपये, और ऑल कैटेगरी फीमेल यानी महिलाओं के लिए 0 रुपये काटे जाएंगे। आवेदन शुल्क का माध्यम जो होगा वो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट के माध्यम से ही सिर्फ किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया जैसा कि बताया जाएगा, सिलेक्शन मेड बी फिल थ्रू 1 टीयर एंड 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट फेयर एवर एप्लीकेबल, यानी कि जो चयन प्रक्रिया होगी, कुछ ऐसे पद भी है जिन्हें सिर्फ 1 टायर या 2 टायर एग्जामिनेशन के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन दिया जाएगा, और कुछ ऐसे भी पद है जिन्हें 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन के बाद कुछ उन्हें स्किल टेस्ट भी देना पड़ सकता है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग हिसाब से है। आवेदन का माध्यम जो कि सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, कोई भी अदर माध्यम जैसे कि पत्राचार या ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जॉब क्षेत्र है जो वो दिल्ली का ही रहेगा। आधिकारिक वेबसाइट जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर http://dssb.delhi.gov.in पर है। इसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बार में नीचे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों की बात की जाए, तो आवेदन स्टार्ट होने का समय 14 जनवरी 2020 रखा गया है। अंतिम डेट आवेदन करने का 13 फरवरी 2020 है। एग्जामिनेशन फी अगर ऑनलाइन पे करना चाहते हैं, तो उसका अंतिम डेट 13 फरवरी 2020 रखा गया है। एग्जामिनेशन का डेट अभी फिक्स नहीं किया गया है, वो जल्दी बता दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड भी जल्द ही जल्द दे दिया जाएगा। आवेदन करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ NCT की दिल्ली की ओर से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है। इसमें ओपनिंग डेट एप्लीकेशन का 14 जनवरी 2020 रखा गया है, और क्लोजिंग डेट भी 13 फरवरी 2020 के बारे में बताया गया है। और जैसे कि हम लोग नीचे आते हैं, तो देखते हैं कि ये अलग अलग पोस्ट कोड के साथ पोस्ट का नाम दिया गया है। PGT बायोलॉजी मेल, PGT बायोलॉजी फीमेल, बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम गया है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, कौन से ग्रुप में और ग्रेड पे में रखा गया है, और टोटल ST SC OBC PWD एक्स एग्जाम या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन कौन से पद आरक्षित यहाँ पर किए गए हैं, आप लोग इसे स्किप करके देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बार में भी इसका एक लिंक दे दूंगा, आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्किप करके भी इसे देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक दिया हुआ है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना चाहिए, और अलग अलग क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उन्हें एज क्या होना चाहिए, और उन्हें कितना पे स्केल मिलेगा, वो एक यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है, PGT बायोलॉजी मेल, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 7 है, UR के लिए 3, SC ST के लिए 2 रखा गया है। और उनके लिए क्वालिफिकेशन जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो क्या है, मास्टर डिग्री एसेंशियल सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिग्री डिप्लोमा ट्रेनिंग एजुकेशन, क्वालिफिकेशन मेंशन एट CL No. 2 एवव रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ कैंडिडेट, यानी कि किसी भी कैंडिडेट को मास्टर डिग्री 11 सब्जेक्ट से होनी चाहिए, और उसको DLED की डिग्री भी साथ में होनी चाहिए, और भी उसके साथ कंडीशन दी गई है। एक्सपीरियंस के बारे में दिया गया कि कुछ नहीं चाहिए,
पे स्केल के बारे में जैसे यहाँ पे दिया 9,334 से 800 प्लस ग्रेड पर 4,800 रुपये ग्रुप पी के माध्यम से दिए जाएंगे। और जहाँ तक इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट के बारे में दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह नीचे में भी बहुत सारे पोस्ट के लिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 3 अलग पोस्ट का दिया हुआ है, इसके बारे में फिर एडुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे स्केल एज लिमिट दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। धीरे धीरे स्क्रॉल में कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर कोई मुख्य यहाँ पर बात होती तो मैं उसे यहाँ पर बता देना चाहूँगा। चलिए यहाँ पर नोट पर आते हैं, यहाँ पर नोट में भी कुछ बातें महत्वपूर्ण बातों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कैंडिडेट को सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, अदर मोड से अदर माध्यम अप्लाई का कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसमें यह भी बताया कि बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी ST ST के लिए अलग बेनिफिट दी गई, उसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर एक 6 नंबर ऑप्शन दिया गया है, द कैंडिडेट मस्ट कैरी इन कॉपी ओरिजिनल आधार कार्ड या अदर इशूड गवर्नमेंट इशूड आइडेंटी प्रूफ, यानी कि एग्जामिनेशन के टाइम में कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल आधार कार्ड कॉपी के साथ या कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आईडी प्रूफ के रूप में जाना है। यहाँ पर जैसे कि एग्जामिनेशन फी कैसे पे करना है उसके बारे में भी बताया गया है। जैसे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में से मैंने पहले ऊपर बताया था, 1 टीयर एंड 2 टीयर या स्कीम स्किल टेस्ट, जिसे जिसमें जिस पद के लिए अगर अप्लाई होगा तो उसके लिए किए जाएंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश से माध्यम से ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं इसमें। और जहाँ तक बात की जाए, इसमें जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें इंटेलिजेंट जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग एबिलिटी रहेंगे, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के भी बहुत सारे पेपर इसमें हो सकते हैं। उसके बाद पार्ट टू की अगर बात की जाए तो पार्ट टू जो एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में की जाए तो द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आदि जो है वो नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा पद के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका क्वालिफिकेशन और योग्यता क्या होगी, एज लिमिट क्या है, सारी चीज़ यहाँ पर ऊपर में दी हुई थी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलेक्सेशन के बारे में, ST SC OBC PWD अदर मेरिटरी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग यहाँ पर एज जो है रिलेक्सेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को दिया गया है कि एग्ज़ाम में आप कौन कौन से कार्य को नहीं कर सकते, वो कौन कौन सा काम बैन है यहाँ पर, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि 1 टायर में जो एग्जामिनेशन होगा वो पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ अलग अलग, टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स का रहेगा और उसमें क्या क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी 2 रहेगा, जनरल अवेयरनेस 3 नंबर रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 4 नंबर रहेगा, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 5 नंबर रहेगा, नॉमिनिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रेशन, ठीक है, ये 100 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन 2 में रहेगा वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर नोट में देख सकते हैं कि नोट पर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे हम थोड़ा जैसे जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ नोट में दिया गया इन 2 टायर एग्जामिनेशन, टायर 1 एग्जामिनेशन यूज टू शॉर्ट लिस्टिंग ओनली, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन टायर 2 एग्जामिनेशन, यानी कि ये किसी भी कोई भी पद के लिए अगर सिलेक्शन होना है तो उसमें 2 तरह के एग्जाम हो गए। पहला जो एग्जाम होगा वो बस एक शॉर्ट लिस्ट बनेगा, उसके बाद जो फिर जो दूसरा टीयर 2 का एग्जाम होगा उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा कैंडिडेट्स का। बोर्ड का अपने पास अधिकार कि वो अगर डिसाइड कर सके कि टायर 1 में एग्जामिनी को जो मार्क्स मिले हैं और टायर 2 में जो मार्क्स मिले हैं उनमें डिसाइड करके आगे बढ़ा सकते हैं। नेगेटिव मार्क की बात की जाए, नेगेटिव मार्किंग जो रखा गया है, यदि आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए, जनरल के लिए 40%
ओबीसी जो दिल्ली के निवासी है 35% और एसटीएससी पीएच पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के 30% यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये सब यहाँ पर कुछ मुख्य बातें कही गई है। दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट्स वीडियोज पाने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।